हेलो, मैं मनोज कुमार बंसल, केमिस्ट्री वाले सर। आप मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं और रोज ही सब्सक्राइबर्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। आज मैं आपके सामने एक नीट की जो स्ट्रेटजी है वो लेकर आया हूँ, और मैं उसमें चाहता था कि कोई सक्सेसफुल, जो सक्सेस पा चुका है, उससे आपकी बात कराऊँ। आज मेरे साथ हैं विभू मलिक। तो मैं कम बोलता हूँ, विभू को ज्यादा बोले देता हूँ। विभू, कैसे हैं आप? तो सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। विभू, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो। सर मैं विभु मलिक लुधियाना से, और मेरे अम्मा पापा प्रोफेसर हैं, और मेरा अभी ऑल इंडिया 3600 रैंक आया है और 652 मार्क्स हैं सर मेरे। 652 out of 720 तुम्हारे मार्क्स रहे। अच्छा विभू, ये यस बताओ सर। इंडिविजुअल स्कोर क्या रहा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी में? सर जोलॉजी बॉटनी में मेरे 180 आउट ऑफ 180 हैं दोनों में, और मेरा केमिस्ट्री में 156 नंबर है वेरी गुड। और फिजिक्स में 136। सोचने वाली बात कि तुम्हारा बायो में 3 out of 360 360 आया पूरा। तो क्या ये फेवरेट सब्जेक्ट था या कुछ लास्ट में तुमने एफर्ट्स किए थे इसके लिए? सर फेवरेट तो नहीं था, लास्ट में एवर्ट्स थे। लास्ट के जो 2 मंथ्स की प्रेपरेशन थी ना बायो की, उसने सर फुल मार्क्स दिलवाए हैं। हाँ, मैं जब तुम्हें पढ़ाता तो मुझे ध्यान है तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते थे ना बायो के अंदर। तो इसका मतलब यस तुम्हारे सर। लास्ट के एफर्ट्स बड़े अच्छे रहे होंगे। तो 360, अच्छा ये कुछ स्ट्रेटजी स्पेशल की बायो में 360 out of 360 कैसे लिए? सर इसकी तो सर मम्मा ने प्रेपरेशन बहुत अच्छी करवाई थी मेरी बायो की ना, और ऊपर से मैंने सर क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो एनसीआरटी थी वो बहुत ज्यादा करी थी। ओके, तो एनसीईआरटी का फोकस रखा। कोई आपने साइड में तो कोई बुक नहीं रखी होगी या रखी? नो सर बिल्कुल भी नहीं, कोई भी बुक नहीं। मैं ना एक बताता हूँ, एक साइट मिल गई थी मेरे को neetprep.com, उस पे एक एक वर्ड से क्वेश्चन बना रखा था एनसीईआरटी के, उससे सारा सारा पेपर उसी से आया है। और अपना जो वो थी ना एनटीए इतिहास ऐप, उसमें से भी सर जो लास्ट के उन्होंने 1 मंथ में ना अपडेट करा था एप्लीकेशन, हर एक चैप्टर से 30 30 40 क्वेश्चन बना दिए थे उन्होंने, उससे वो बहुत हेल्पफुल करे सर। वाले सर का कुछ रोल? सर आपका तो सर बहुत बढ़िया रोल था सर, आपने तो जैसे ना कैटलिस्ट का रोल किया था बिल्कुल, मतलब कि जो प्रेपरेशन में बूस्ट नहीं कर देता बिल्कुल डांट ही खाई मेरे आप से? हाँ, सर, बहुत मतलब कि फायदे वाली डांट खाई है सर मतलब डांट की आप। इंपोर्टेंस है, मतलब सिर्फ पैम्परिंग से नहीं चलेगा, डांट भी करनी बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सर, मम्मा से भी खाई है, आपसे भी खाई है, तभी गुड। नंबर आए हैं मम्मा सर। से तो मेरी बात होती रहती थी वीकली या फोर्टनाइटली, तो मुझे याद है कि मम्मा बड़े वरीड रहते थे तुम्हारे बारे में ना। लेकिन ये जो सक्सेस मिला ना, यस सर। 652 marks out of 720, ये बहुत बढ़िया रहा। लेकिन एक छोटी सी बात और, कोरोना सीजन था, तुमने अक्टूबर में आई थिंक ज्वाइन किया था 2020 में, मुझे यस ट्वेंटी सर। ट्वेंटी में ना, तो टाइम स्पेंड कम था, उसके बाद सिलेबस भी हमने जल्दी खत्म किया। अच्छा, ऑनलाइन का जो साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ डिविएटेड रहे ऐसा कुछ? सर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा इश्यू आया था, पर फिर ना फ्लो बन गया था जब ऑनलाइन स्टडीज का, तो मेरे को तो लगता है इससे बेस्ट कुछ है नहीं। ओके ऑनलाइन okay. स्टडीज बहुत अच्छी चीज है। हाँ बिलाल, जो कोरोना जब तक चल रहा है तब तक तो ये कि ऑनलाइन स्टडीज में अगर आप चाहो तो अच्छा कर सकते हो, अगर चाहो तो, विल है तो। यस सर, गुड, वेरी सेल्फ गुड, मोटिवेशन बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है ना। अच्छा, कुछ स्ट्रेस वगैरह रहता था कभी? लगता नंबर कम आ गए, स्ट्रेस हुआ? नहीं सर वो सारे आप टीचर्स इतने सपोर्टिव थे, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं होती थी। सारे मतलब कि जो कभी मैम भी कैसा थे मोमेंट? अपने जॉलेज। वेरी गुड। हाँ कभी जी ऐसा सर। मोमेंट आया भी, कभी स्ट्रेस हुआ हो? एक आधी बार ही आया था सर, जब एक दो तीन टेस्ट में लगातार अगर कम आ जाते हैं, और अगर मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी कम आ रहे हैं ना, तो थोड़ा दुख होता है। बाकी फिर हम अपने आप कोप अप हो जाते हैं, स्कोर्स वगैरह अपने आप इंक्रीज हो जाते हैं। मान सकते हैं ये पर्सन टू पर्सन जो जो स्ट्रेस है वो वेरी करता है। तो आप चाहो तो उसको उससे रिलीफ पाने के लिए कुछ स्पेशल करने की नीड नहीं है, बस हल्का टीचर्स का मोटिवेशन चलता रहे। और कोई वीडियो देखते थे यस मोटिवेशन वगैरह की? सर। मैंने ज्यादा तो देखी नहीं, पर मेरा एक स्ट्रेस लीवर ये था सर, मैं ना रोज बैडमिंटन जरूर खेलता था, अब बात कितनी आधा एक देर? घंटा बैडमिंटन, आधा एक घंटा सर रोज डेली, एक भी दिन नहीं छोड़ा सर मैंने। नाइस, वेरी वेरी गुड। यस ये बहुत सर। अच्छी बात बताई। मैंने कुछ लोगों को सुना कि वो कुछ पंगड़ा पाते थे, जैसे आधा घंटा 10 मिनट है ना। तो तुमने सर बहुत अच्छा बताया, मैं बैडमिंटन से मतलब थोड़ा स्वेटिंग भी हो गई और अपना हाँ जी बढ़िया, सर मतलब तुमने माइंड रूटीन फ्रेश हो किया। जाता था।
सर डेली एग्जिट नीट से पिछले दिन भी गया था मैं तो खेलने। बात वेरी गुड, मजा आ गया बात सुन के ना। अच्छा पेरेंट्स का और टीचर्स का तो तुमने बताया कि बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा। Yes, और थोड़ा बहुत मेरा भी तुम्हारे लाइफ में रहा कंट्रीब्यूशन, तुमने बताया सर बहुत ज्यादा सर। तो अच्छा एक छोटी सी बात और मैं पूछना रह गया कि जब तुम्हारा ऑनलाइन चला और वहां पेपर और पेन वाला मोड आ गया तो कुछ कंफ्यूजन? सर नहीं सर, अपना जो प्रैक्टिस थी ना, प्रैक्टिस पेपर्स जो थे उसकी ओएमआर निकाली हुई थी, तो ओएमआर पे जैसे हिसाब से मतलब कि टाइम बाउंड ओएमआर पे करते थे, वही अपलोड करते थे हम, तो उसी के हिसाब से मार्क्स आते थे, तो इसलिए कोई दिक्कत आई नहीं। सजेशन ये कि अगर ओएमआर शीट बच्चा मार्केट से परचेज भी कर ले या कोई इंस्टीट्यूट अवेलेबल करवा दे, दैट विल बी अ गुड आईडिया आई थिंक ना। यस सर। और क्वेश्चन सडन पहले था 180, फिर अचानक ये जब रिलीज हुआ तो 200 का आ गया, तो मैनेज हो गया था टाइम? सर टाइम तो इस बार तो सर थोड़ा सा तो लंबा था पेपर, क्योंकि कौन मेरा तो यही था, जैसे मेरी स्ट्रेटजी थी कि स्टार्टिंग से ही करने हैं, लाइक ऐसे चूज नहीं करने कि कौन कौन से करने हैं, जो पहले 10 आ गए वो कर देने फटाफट, अगर कोई लग रहा है मुश्किल है फिर स्किप करना है, ऐसे नहीं पहले पढ़ लिए सारे कि कौन कौन से करने हैं, साथ ही कर दिया मतलब सर। पैटर्न क्या रहा, मतलब पहले क्या अटेम्प्ट किया? सर पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। वेरी गुड ओके, 652 मार्क्स। और अब बच्चों को ये मोटिवेशन जरूर मिलेगा कि विभू सक्सेसफुल रहा। और मुझे याद आ रहा है तुम टेक्निकली माइंड, मुझे तुमने एसएसडी चेंज करने के लिए बोला था, मैंने हाथों अगले 5-7 दिन में किया था, तो तुम थोड़ा सा टेक्निकली माइंड भी तुम्हारा अच्छा था, मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं यस सर, थैंक यू। तुम मतलब कंप्यूटर और इन सब डिवाइसेस में बड़ा मतलब इंटरेस्टेड रहते थे, नहीं? वो इंटरेस्ट अभी भी है या खत्म हो गया? सर बिल्कुल है सर, अभी भी है। Phones, gadgets. Very good, very good. क्योंकि ना जनरली मेडिकल फील्ड में आने वाले बच्चों का ये इधर दिमाग लगता नहीं, कमी लगता है, लेकिन तुमने डबल काम किया हुआ है। गुड, वेरी गुड। तो अभी काउंसलिंग वगैरह शुरू हो जाएगी, अच्छा कॉलेज, होपफुली कि हम एम्स में ही जाएं। तो yes, अच्छा लगा तुमसे बात करके, और मुझे लगता है ये जो हमारे पास ये 7-8 मिनट का वीडियो बना, इसको बच्चे देख के मोटिवेट होंगे, और विभू हमारे पास एक एज ए मोटिवेटर जिसने स्ट्रेटजी फॉलो की, वही आप लोग फॉलो करें। और कोई बुक्स का नाम तो नहीं लेना चाहोगे, है कोई बुक अगर बताना चाहो लास्ट में हम सब फाइनल? सर मैं तो कहता हूं सर एनसीईआरटी रट लो सर, उससे ऊपर एक कदम भी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है सर। टेफ्ट में चले जाओ एनसीईआरटी के, और वो यस सर, स्पेशली सर जो उसकी बैक एक्सरसाइज भी अगर पूरी अच्छे से कर लेंगे ना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारी, तब भी वो बहुत हेल्पफुल रहती है। मुझे लगता है कि इस पूरे यूनिवर्स में तुम्हारे बारे में कौन कौन सोचता होगा, जैसे मैं सोचता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स ओनली, ऐसे ही तुम्हें भी लगता होगा नहीं? यस सर, बस पेरेंट्स टीचर्स, पेरेंट्स एक दो दोस्त हैं बस। हाँ पेरेंट्स मुझे लगता है ना वो तो अनबीटेबल है, उनके सामने तो कुछ टिकता ही नहीं है। यस सर, वेरी गुड। तुम्हारी मम्मा के लिए मेरा सैल्यूट, पापा के लिए सैल्यूट, और तुम थैंक यू सर मोटिवेटर बने। थैंक यू, मिलते हैं फिर विभू जल्दी, ठीक है? यस सर श्योर सर, थैंक यू।